जितने भी स्कूल्स अब नेशनल मेडिकल कमीशन रिकग्नाइज करेगा वो सारे स्कूल्स के मेडिकल स्कूल्स के बच्चे USMLE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि अगर आपने इंडियन मेडिकल स्कूल से किया है, अब WFMEA एक्रेडिटेशन मिल गया है, तो आप बाहर जाके डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं, पहले हर स्कूल अपने आप को इंडिविजुअली रजिस्टर कराता था, वो अब इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इट विल ब्रिंग अस एट पार विद ऑल अदर नेशंस एंड इट विल बी द बेसिस फॉर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। इट विल बी अ बेसिस फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ग्रीटिंग्स टू ऑल डियर लिसनर्स। अभी हाल में एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन का एक्रेडिटेशन मिल गया है। अब इसके ऊपर कई कई सवाल आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, मेडिकल स्कूल्स को क्या फ़ायदा होगा, और कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं क्या यह खबर सही है। सो पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दिस रीसेंट न्यूज़ आइटम दैट हैज स्टेटेड दैट द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ बीन एक्रेडिटेड बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। नाउ इज़ इट ट्रू, नंबर वन? नंबर टू, डज इट हैव एनी इम्प्लीकेशन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड द मेडिकल स्कूल्स? तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सब जो क्वेरीज आ रही हैं इनका मैं आपको सही से उत्तर दूँ। सबसे पहले, WFMEA होता क्या है? द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज अ ग्लोबल बॉडी दैट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल एजुकेशन ग्लोबली, एंड दिस एक्रेडिट्स ऑल दोज बॉडीज विच रिकग्नाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस फॉर इम्पार्टिंग मेडिकल एजुकेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो WFMEA क्या करता है, ये ग्लोबल बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन के गुणवत्ता के क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बनाता है, और वो उन सब बॉडीज़ को रिकग्नाइज करता है जो अपने अपने देशों में अपने मेडिकल स्कूल्स को रिकग्नाइज करते हैं। तो ये तो WFMEA की बात हो गई। अब क्या NMC WFMEA से एक्रेडिट हो गया? हाँ जी, ये खबर बिल्कुल सही है और सच्ची है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबका जो श्रेय जाता है ये नेशनल मेडिकल कमीशन के जो करेंट चेयरमैन हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, और जो मेडिकल असेसमेंट रिव्यू बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर गंगाधर, और उनकी टीम डॉक्टर जेएल मीना और उनके साथियों की मेहनत की वजह से ये सब कार्य संपन्न हुआ है। और इस कार्य में कहीं ना कहीं से मैं खुद अपने आप जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने अपने आँखों से देखा है, और मैंने देखा है कि किस तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन और उनके सारे प्रेसिडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड के, एजुकेशन बोर्ड के, और जो मेडिकल असेसमेंट रिव्यू बोर्ड के और एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जो हैं, ये सारे के सारे लोगों ने मिल के मेहनत करी है ताकि ये एक्रेडिशन नेशनल मेडिकल कमीशन को मिल सके। तो माई कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एंड द एंटायर टीम ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर हैविंग द विजन टू सी दैट इंडिया डज नीड टू बी अलाइन ग्लोबली एंड फॉर गेटिंग दिस इन अ रिकॉर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन लेस देन वन ईयर। तो हम अभी दुनिया के जो मैप है एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन पर, हम उसमें आ चुके हैं थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या फ़ायदा होगा हमें? सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस? सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि अभी तक हर स्कूल अपने आप को रजिस्टर कराता था एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशंस, वो आपको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में स्पॉन्सर टैब में मिलता था। जो लोग ECFMG से सर्टिफाइड होते थे, जो स्कूल सर्टिफाइड होते थे, उस स्कूल के छात्र जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ कैनेडा, the GMC of UK, Australian Medical Council और New Zealand Medical Council के एग्ज़ाम को दे सकते थे। 2024 से अब ECFMG इंडिविजुअल स्कूल्स को सर्टिफाई नहीं करेगा, वो सिर्फ उन्हीं स्कूल को रिकग्नाइज करेगा जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन द्वारा जो एक्रेडिटेड बॉडी है वो इससे एक्रेडिट हो गई हो। इसलिए
जितने भी स्कूल्स अब नेशनल मेडिकल कमीशन रिकग्नाइज करेगा वो सारे स्कूल्स के मेडिकल स्कूल्स के बच्चे USMLE का एग्ज़ाम दे सकते हैं और GMC का प्लेब दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा इन सबके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो पहले इंडिविजुअल स्कूल्स कर रहे थे, अब जो भी स्कूल्स चाहे नए चाहे पुराने, जो जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिकग्नाइज किए हैं, वो सब ऑटोमेटिकली स्कूल्स ECFMG में रजिस्टर्ड हो गए और उनके बच्चे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ECFMG सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि वो USMLE का एग्ज़ाम दे सकें। दूसरा ये बात है, कुछ लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि अगर आपने इंडियन मेडिकल स्कूल से किया है, अब WFMEA एक्रेडिटेशन मिल गया है, तो आप बाहर जाके डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं, आप बाहर जाके डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको जाकर वहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देना होगा। जब आप वो क्लियर कर लोगे, उसके बेसिस पर आपको वहाँ रेजिडेंसी मिलेगी, उसके बेसिस पर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस की परमिशन मिलेगी। तो खाली आपका जो रास्ता ये था कि आप पहले हर स्कूल अपने आप को इंडिविजुअली रजिस्टर कराता था, वो अब इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जब से NMC ने ये इनिशिएटिव लिया है, अब NMC एक्रेडिट हो गया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से, तो जितने भी स्कूल्स NMC से एक्रेडिटेड हैं, वो सारे के सारे स्कूल्स के बच्चे USMLE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ECFMG में रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को, जो कि USMLE देने के लिए अनिवार्य है। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा और जनरल मेडिकल काउंसिल UK के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सब आप दे सकते हैं, लेकिन आप खाली इंडिया से डिग्री लेकर वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ बीन एक्रेडिटेड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इट विल ब्रिंग अस एट पार विद ऑल अदर नेशंस हुज एक्रेडिटिंग बॉडीज हैव बीन एक्रेडिटेड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इट विल मेक आर मेडिकल एजुकेशन एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इट विल इंश्योर दैट हम लोग और यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, and it will be the basis for international collaborations, it will be a basis for improving the quality of medical education. So mere khayal se maine aapke sawalon ka jawab de diya hai, jo queries mere paas aayi hain. Agar phir bhi aapke man mein koi doubts hain, koi shankaye hain, to kripa karke apne comments daliye, main phir unke upar ek naya video banaunga aapke sawalon ka jawab dene ke liye. Thank you, dhanyawad, jai hind.